जय श्री कल्कि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवंबर का महीना स्टार्ट होते ही उथल पुथल मचनी शुरू हो गई है। ऑलरेडी मैंने इस बारे में प्रेडिक्शन दे दी है कि नवंबर का महीना किस प्रकार से भूचाल लेकर आने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। जी हाँ, इसी महीने 16 नवंबर की तारीख, वो तारीख जो मेमोरेबल बनने जा रही है। कारण वृंदावन के संत, जी हाँ, वृंदावन के 1000 से ज़्यादा संत करने वाले हैं कुछ ऐसा। तैयारी पूरी हो चुकी है और ऐसी तैयारी जो हमेशा याद रहेगी। आने वाले समय को लेकर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बातें बतलाई हैं, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाऊँ उसके पहले फिर से एक बार भूकंप जमीन के अंदर से आज दैत्यदानव बनकर बाहर निकल रहा है। जमीन के अंदर पाताल तक उथल पुथल मच चुकी है। ब्रह्मांड ने आने वाले समय के लिए समय निश्चित कर लिया है हर घटना के लिए। तो भूकंप फिर से एक बार लोगों को डरा गया। हालांकि नुकसान कुछ नहीं हुआ, एक के बाद एक दो भूकंप के झटकों से हिल गई ग्रीस की धरती 5.2 और उसके बाद 4 मिनट के बाद 4.2। लेकिन भगवान की मर्जी, भगवान कल्कि का आशीर्वाद कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लोग इतने सचेत हैं आज अर्थक्वेक को लेकर कि ज़रा सी भी अगर धरती हिलती है तो लोग बाहर निकल जाते हैं घरों से, जैसा कि ग्रीस में हुआ। तो जैसा मैं बतला रही थी कि आने वाले समय में वृंदावन के 1000 से ज़्यादा संतों ने कर ली है एक बड़ी तैयारी। करो या मरो की स्थिति अब चल रही है। अब उन संतों का ही ये आह्वान कि शास्त्र पढ़ लिए, अब शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। देवासुर संग्राम चल रहा है, दानव रूपी मानवों का खात्मा होना निश्चित है, लेकिन इसमें हर एक को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। अन्यथा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तालिबान में हो रहा है, कहीं वो हमारे देश में ना हो, इसलिए पहले ही अपने देश को मजबूत बनाने के लिए संतों ने भी अब बीड़ा उठा लिया है। वृंदावन से ही जब आवाज़ निकलती है, वृंदावन की भूमि, वो पवित्र भूमि मथुरा वृंदावन, जहाँ से संतों की आवाज़ नहीं वो श्री कृष्ण की आवाज़ होती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने तैयार किया अर्जुन को, शास्त्र तो पढ़ लिया अब शस्त्र उठाओ हे पार्थ और कूद पड़ो रण क्षेत्र में, अब लड़ने की बारी तुम्हारी, मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ोगे तुम। तो इस बार भी भगवान कल्कि, कल्कि सेना के द्वारा लोगों को, संतों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि लड़ो अपनी लड़ाई, सनातन की वो लड़ाई जो आज कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती दिख रही है। आज मुसलमान कुछ अगर होता है और एक कहीं से कॉल जाता है तो हज़ारों की संख्या में सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। आज यदि वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है तो सनातन बोर्ड का गठन क्यों नहीं हो? हमारा देश है, हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो फिर सनातन बोर्ड का गठन क्यों ना हो? इसलिए 16 नवंबर का दिन चुन लिया गया है। किस लिए? सनातन धर्म संसद के लिए, ताकि सनातन धर्म संसद विराट रूप से उसे सफल बनाने के लिए 25 लाख सनातनियों को हमारे देश में आह्वान किया गया है कि दिल्ली आप लोग पहुँचें। ऑलरेडी रविवार को एक मीटिंग हो चुकी है, कहाँ पर? वृंदावन में। जी हाँ, सनातन न्यास फाउंडेशन जो है वहाँ पर ऑलरेडी एक सुदामा कुटी आश्रम है, जहाँ पर कि संत अपनी मीटिंग कर चुके हैं। देवकी नंदन ठाकुर जो सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया, सभी को अपनी बातें समझाई और अब विराट रूप से बहुत
बड़े लेवल पर 25 लाख लोगों को आह्वान किया है इकट्ठा होने के लिए दिल्ली में, ताकि वहाँ पर वो एक महासभा का आयोजन करें और तीन मुख्य शर्तें प्रधानमंत्री से मंगवाई जाएं। ऑलरेडी लेटर पहुँच चुका है। पहली शर्त, उसमें ये तीन बातें हैं कि पहली बात कि सनातन बोर्ड का गठन हो, ताकि कहीं पर भी यदि धार्मिक स्थल हिंदुओं के तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो धार्मिक आयोजन अगर सही तरीके से नहीं करने दिया जा रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो वहां पर ये बोर्ड जो है सनातन बोर्ड जो गठन होगा, उसके पश्चात वहां के अध्यक्ष सब पर पैनी नज़र रखेंगे, ताकि फिर से ऐसी घटना ना हो। जिस प्रकार वक्फ बोर्ड जो है वहाँ के मुसलमान, वहाँ के जो भी अध्यक्ष होते हैं, तो मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक हर चीज़ पर वो पैनिक नज़र रखते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होता हर एक पर वो पैनी नज़र, तो सनातन बोर्ड का गठन क्यों ना हो। ये जो आवाज़ निकली है देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक, उनके साथ सुर से सुर मिलाया है वृंदावन के 1000 से ज़्यादा संतों ने, और जब वृंदावन से आवाज़ निकलती है सनातन की, तो वो पूरी दुनिया में गूंजती है, क्योंकि वृंदावन की धरती कोई साधारण धरती नहीं है, श्री कृष्ण की धरती है मथुरा। श्री कृष्ण वहाँ पर, अगर वहाँ से भी आवाज़ पूरी दुनिया में ना पहुँचे तो फिर कहाँ से पहुँचे। जी हाँ, तो पवित्र भूमि वृंदावन से 1000 से ज़्यादा संत पहुँचेंगे 16 नवंबर संसद धर्म गठन के लिए, और उसके पश्चात ये जो आवाज़ होगी अब करो या मरो की स्थिति, संतों ने खुले तौर पर आह्वान किया है कि अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। प्लस दूसरा मैंने कहा कि एक बोर्ड का गठन, दूसरा मिलावट, जो तिरुपति के मंदिर में मिलावट हुई है, अब उन दोषियों को अभी तक सज़ा नहीं मिली है, जल्द से जल्द उन दोषियों को सज़ा मिले, ये दूसरी मांग। और तीसरी मांग ये रहेगी कि ये जो बोर्ड गठन होगा उसके द्वारा अब अतिक्रमण, जो मथुरा जमीन विवाद चल रहा है, वो अतिक्रमण वहाँ से हटाया जाए, यानी मथुरा जमीन विवाद में अतिक्रमण मुक्त मथुरा अब बने, मथुरा का जो जमीन है, मथुरा के जो मंदिर हैं, अब वो अतिक्रमण मुक्त बने। ये तीन बातें करने के लिए संसद धर्म, सनातन धर्म संसद का अब वहाँ पर विराट रूप से, बहुत भयंकर रूप से आह्वान किया गया है। अब लोग कितने पहुंचते हैं ये तो 16 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन संतों ने अब ठान लिया है कि अब सनातन की रक्षा करनी है, क्योंकि कनाडा में भी फिर से एक बार खालिस्तानियों ने मंदिर पर न सिर्फ प्रहार किया, बल्कि भक्तों के ऊपर भी डंडे बरसाए गए हैं। तो ये जो जगह जगह, बांग्लादेश हो या कनाडा हो या पाकिस्तान हो, जगह जगह ये जो मंदिरों पर प्रहार हो रहे हैं, या भक्तों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर ये जो प्रहार हो रहे हैं, अब अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है, सवाल यही है कि अगर वक्फ बोर्ड हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे देश में जहाँ पर कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो फिर सनातन बोर्ड क्यों ना गठित हो, ताकि वो पूरे सनातनियों पर अच्छी तरह से उनको एक सुरक्षा दे सकें, मंदिरों की, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा वो डिसाइड करें अच्छी तरह से, और मंदिरों में कहीं पर भी मिलावट ना हो। इसलिए तो 16 नवंबर का दिन जो डिसाइड किया गया है, होगा कुछ बड़ा, तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है पहले से ही, यानी 3 नवंबर 2024। और 3 नवंबर 3 तारीख किसकी होती है, 3 तारीख यानी गुरु, गुरु यानी श्रीहरि। तो ये जो भगवान कल्कि आए हैं वो भी श्रीहरि ही हैं, तो उनकी ही ये आवाज़ है, जिस आवाज़ को अब संत करेंगे बुलंद और लेकर जाएंगे अब साथ में लाखों लोगों को दिल्ली तक, ताकि सनातन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द हो। लेकिन इसके साथ ही एक और बात आज ही के वीडियो में मैं आपको बतला दूं कि तिरुपति में अब ये नियम बना दिया गया है कि जो वहाँ पर देख रेख करने वाले कर्मचारी हैं, या जो वहाँ पर सिविल वर्क होता है, मंदिर में कोई कंस्ट्रक्शन होता ही रहता है, तो जो सिविल वर्क होता है उन सब में केवल और केवल हिंदू ही काम करेंगे, किसी भी मुसलमान को वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि हिंदू चाहे वो किसी भी जाति के हों, लेकिन हिंदू होने चाहिए, वही उन्हीं का प्रवेश होगा मंदिर के कार्यों के लिए, बाकी मुसलमान जो हैं
वो नहीं जाएंगे, और हिंदू अगर नहीं है या मुसलमान नहीं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये लोग भी नहीं जाएंगे, केवल और केवल हिंदू ही मंदिर के कार्य करेंगे। तो सबसे पहले मनाही है जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ केवल हिंदू ही अंदर एंट्री ले सकते हैं। और अब दूसरी आवाज़ बुलंद हुई तिरुपति मंदिर से, जहाँ पर कहा गया केवल हिंदू ही मंदिर के काम में अपना हाथ बटाएंगे। धीरे धीरे देखते जाइए किस प्रकार समय का परिवर्तन सनातन के पक्ष में आता है, क्योंकि यही वो है जो सबको सत्य का रास्ता दिखलाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई।